हेलो डिफेंस लवर्स, सबसे पहले आप सभी को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस दीपावली एक दिया हमारे वीर जवानों के सम्मान में भी जरूर जलाएं। बाकी ये जो एपिसोड है हम खास करके इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कल के डिफेंस अपडेट में जो हमने आपको बताया था कि LOC पर इंडियन आर्मी की तरफ से एक बेहद ही जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसमें निकम्मे पड़ोसियों की आर्मी को बेहद ही भारी नुकसान पहुंचा है। और इंडियन आर्मी की इस कार्रवाई की कई सारी वीडियोस भी सामने आई थी जो हमने डिफेंस अपडेट में भी अलग अलग एंगल से पोस्ट की थी। तो अब हुआ यह है कि हमें कल के डिफेंस अपडेट में कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिले जो कि संभावित रूप से निकम्मे पड़ोसियों की तरफ से ही हैं। तो उन कमेंट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी द्वारा ATGM से पाकिस्तानी बंकर्स पर स्ट्राइक वाली वीडियो सामने आई है वो वीडियो फेक है और वो वीडियो इंडियन आर्मी की नहीं बल्कि सीरिया की है। और निकम्मे पड़ोसी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो को वे फेक बता दें ताकि जो उनको नुकसान हुआ है उसको छुपा सकें। तो आपको बता दें कि हमारे निकम्मे पड़ोसी जिस वीडियो के आधार पर इंडियन आर्मी की इस वीडियो को फेक बता रहे हैं, असल में वो वीडियो सीरिया की है, लेकिन उस वीडियो के थंबनेल में फोटोशॉप का इस्तेमाल करके इंडियन आर्मी वाली वीडियो की ही पिक्चर इस्तेमाल की गई है। यानी कि अगर आप केवल थंबनेल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस वीडियो के अंदर वैसी ही वीडियो है जैसे अभी हाल ही की इंडियन आर्मी की तरफ से आई है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप उस वीडियो को क्लिक करके उस वीडियो के अंदर जाएंगे तो उसमें आपको कहीं पर भी ऐसी कोई भी वीडियो नहीं दिखेगी जो इंडियन आर्मी की स्ट्राइक वाली वीडियो से मैच करे। और अब निकम्मे पड़ोसी कर ये रहे हैं कि इंडियन आर्मी वाली वीडियो का एक सीन कट करके उसको सीरिया वाली वीडियो के थंबनेल में पोस्ट करके वायरल कर रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी बंकर्स पर आर्मी की स्ट्राइक वाली जो वीडियो सामने आई है वो फेक है और वो सीरिया की है। खैर, इंडियन आर्म फोर्सेस की जबरदस्त कार्रवाई के बाद अपने नुकसान को छुपाने के लिए निकम्मे पड़ोसियों द्वारा फोटोशॉप का इस्तेमाल किया जाना कोई नई बात नहीं है क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि कोई देश इतना नीचे कैसे गिर सकता है कि वो अपने उन वीर जवानों का सम्मान भी नहीं कर सकता जो उसी के खातिर अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। और निकम्मे पड़ोसी को इतना तो समझ में आना चाहिए कि उनके जिस सैनिक ने सीमा पर अपने जीवन का बलिदान दिया है वो बलिदान उनके ही राष्ट्र की सुरक्षा के लिए था। और इसलिए भी हम कहते हैं कि हमारा निकम्मा पड़ोसी निहायत ही बेशरम वाले कैटेगरी में आता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो देश अपने वीर जवानों के बलिदान को भूल जाता है तो दुनिया भी उस देश को भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगाती है। और हमारा निकम्मे पड़ोसियों के लिए एक सुझाव भी है कि अगर आप फोटोशॉप इस्तेमाल करते हो तो उसको इस्तेमाल करो, लेकिन कम से कम ढंग से तो करो कि थोड़ा तो समय लगे हमें ये समझने में कि वो असली है या नकली। ये थोड़ा ना है कि इंटरनेट सस्ता मिल रहा है तो कुछ भी डाल दोगे। तुमसे ना हो पाएगा। बाकी आपको बता दें कि आज 12 बजे हम एक बेहद ही स्पेशल वीडियो पब्लिश करने वाले हैं और इस वीडियो के साथ हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें।